तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो आप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो बायोडक्ट बनाया जा रहा है, जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं उन पे क्या कुछ वर्क चल रहा है, अभी क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या किया जाना है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना। दोस्तों यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, ये है मेरठ का मोदीपुरम डिपो। डिपो के लिए भी एक लाइन चली जाती है और ये मोदीपुरम RRTS का स्टेशन भी है दोस्तों। लॉन्चर लगे हुए हैं, देख सकते हो कि किस तरीके से बायोडक्ट को कनेक्ट किया जाता है इन लॉन्चर के द्वारा दोस्तों। और यहीं तो एक लाइन डिपो के लिए चली जाएगी। और आप सभी को बता दूं कि रैपिड रेल तो दोस्तों दिल्ली से चलकर आएगी और मेरठ मेट्रो तो दोस्तों मेरठ के अंदर ही रहेगी, यानी कि सिटी में ही ट्रेवल करेगी, एक छोर से दूसरे छोर पर पब्लिक को लाना ले जाने का काम करेगी। 3 कोचिस की मेरठ मेट्रो होने वाली है दोस्तों, जिसमें कि 73 सीट्स हैं और 73 सीट्स में से भी 700 पैसेंजर दोस्तों ट्रैवल कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये मेरठ के मोदीपुरम RRTS का स्टेशन है, जिस पर कौन-कौन लेवल बन चुका है। प्लेटफॉर्म लेवल पर अभी काम चल रहा है, सेटरिंग लगी हुई है, बीम डाले जा रहे हैं, ट्रैक भी बिछाया जा रहा है, तो सारे मतलब कि वर्क चल रहा है और एंट्री एग्जिट पॉइंट को भी बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जो NH है ये दोस्तों 334, इसको ये रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की लाइन दोस्तों क्रॉस करेगी बायोडक्ट को। तो वहीं पर चलते हैं और देखते चल के आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रोड को क्रॉस करने का काम कर रही है दोस्तों। अभी इस टाइम पे आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। हमारे भारत में पहली बार ऐसी रेल बनाई जा रही है दोस्तों, जो कि पिलर के ऊपर 150 से ऊपर की रफ्तार से दोस्तों दौड़ेगी। और वहीं दूसरी मेरठ मेट्रो भी पहली बार देश में दोस्तों 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, वो भी एलिवेटेड सेक्शन पर। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए NCRTC इसका बायोडक्ट को बनवाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। जो नमो भारत है वो तो स्टार्ट ही हो चुकी है, अब मेरठ मेट्रो बाकी बची है, वो भी आप लोगों को सौगात जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि ये टाइम से पहले ही इनका काम बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। लेकिन सन 2025 यानी कि मार्च अप्रैल में मेरठ मेट्रो भी चला दी जाएगी आम जनता के बीच में दोस्तों। तो देख सकते हो सारे पिलर कनेक्ट कर चुका है ये लॉन्चर, बस एक ही पिलर बचा है जो इसको लॉन्च करना है, मतलब कि जोड़ने का काम किया जा रहा है, बस एक ही बचा हुआ है पिलर, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। और शायद जोड़ दिया हो तो कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 दिन पहले की ये अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एडिट करने में नहीं कर पाया, थोड़ा सा इसी वजह से लेट हो गया। लेकिन अब ये आप लोगों के बीच में आने वाली है, तो आप लोग इसे इंजॉय करना ज़्यादा से ज़्यादा, प्यार सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर विजिट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के बीच में अच्छे से अच्छे अपडेट्स लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, मैं भी इधर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश करूँ। देख सकते हो ये ट्रक है जो इस लॉन्चर को ले जा रहा है, और सबसे बड़ा लॉन्चर यही था दोस्तों इस रूट का। 2 लॉन्चर लगाए गए थे और 2-3 लॉन्चरों में तो भाई साहब सबसे बड़ा लॉन्चर यही था। और ये दोस्तों लॉन्चर पता कौन सी कंपनी का है, इस पूरे रूट में सबसे ज़्यादा दोस्तों LNT कंपनी ही काम कर रही है, और LNT का ही ये लॉन्चर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी ने इस पर वर्क किया है तो वो किया है LNT ने, LNT के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है। और जो अंडरग्राउंड सेक्शन है वो दोस्तों एफकॉन्स के पास में है।
तो यही कंपनियां, मतलब कि 4-5 कंपनियां ने मिलकर बनाया ये 82 किलोमीटर का कॉरिडोर दोस्तों। दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होता है यानी कि निजामुद्दीन से, और ये मेरठ के मोदीपुरम में एंड हो जाता है बिल्कुल लास्ट में जाकर दोस्तों। और भविष्य में मोदी नगर मोदीपुरम स्टेशन से दोस्तों ये मुजफ्फरनगर के लिए भी इसकी लाइन जाएगी, और फिर मुजफ्फरनगर से फिर हो जाएगी ये हरिद्वार के लिए। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी खुशखबरी सौगात मिलने वाली है, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है दोस्तों इससे। तो अब ट्रैक की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो ट्रैक पर पैराफिट बॉल लगा दिया है, अभी इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जाएंगे, इस पर रेलिंग लगाई जाएगी, ट्रैक बिछाया जाएगा, अभी नहीं बिछाया गया है ट्रैक, OHE का काम किया जाएगा। लॉन्चर आप लोगों को बायोडक्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बायोडक्ट तो कनेक्ट हो चुका है, अब ये लॉन्चर को उतारने का काम किया जा रहा है, फिर उनको असेंबल किया जाएगा और ट्रकों द्वारा ये ले जाएंगे दूसरे जहां काम चल रहा है उस जगह पर। और ये आ चुका है मेरठ नॉर्थ RRTS का स्टेशन, जिसपे कि मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी दोस्तों। RRTS स्टेशन बनाया गया है, दूसरे स्टेशन का भी व्यू देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म ये स्टेशन है दोस्तों, चल रहा है अभी मेरठ नॉर्थ RRTS का एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाया जा रहा है, और दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये दोस्तों हाईवे के इसकी ट्रेन राइट में बनाया जाएगा, मतलब दूसरी साइड में बनाया जाएगा। दो एंट्री सेक्शन की बात कर लेते हैं, बनाया जाएगा जिस पे एक एंट्री एग्जिट पॉइंट पे देख सकते हो किया जा रहा है, कौन कुछ लिए बन चुका है, ऊपर को बढ़ाए जा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर बीम डाला जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, स्टेयर तो बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद में मार्बल का काम किया जाएगा, इसका डेंट पेंट का काम किया जाएगा, यही काम चल रहा है, गार्ड लगाने का भी काम किया जा रहा है। देख सकते हो स्टेशन पर, यहाँ से चलते हैं आगे दिखाते चल जाते हैं, हाईवे का फ्लाईओवर आ जाता है जो मेरठ सिटी से चलेंगे, जो ये हाईवे आती है दोस्तों रोड की रोड पर, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे चल के। तो आप लोग बने रहो, ऐसे ही वीडियोज देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, तो केपी संत आता रहता है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखो केपी संत के चैनल पर, क्योंकि आने ही वाला है ये रोड की रोड। पहले ये हाईवे नहीं हुआ करता था जो मेरठ के बाईपास होकर जाता है दोस्तों, क्योंकि तभी से ये 334 NH इसका नाम पड़ा है। पहले ये दोस्तों NH 58 हुआ करता था, अब यहाँ तक ये NH 58 है, यहाँ पर ये सामने गाड़ी चमक रही है, और इसको रोड की रोड बोला जाता है दोस्तों। और ये बायोडक्ट भी सिटी के अंदर ही जा रहा है, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के। अभी दो स्टेशन और आएंगे, एक दौरली का आएगा, दूसरा MES कॉलोनी का आएगा, तो उस पर भी देखते हैं चल के उस पर क्या कुछ वर्क अभी चल रहा है, क्या बाकी है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों।
दोस्तों तीसरा स्टेशन आ चुका है दौरली RRTS का, जिसपे की मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी, रैपिड रेल नहीं रुकेगी, क्योंकि ये छोटा स्टेशन है और ये 3 कोचेस के लिए स्टेशन बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो इन पर देखो फुटओवर पर चढ़ने के लिए इन पर बीम का सहारा लिया गया है, 2 बीम इधर हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। अब इन पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है, देख सकते हो सेटरिंग लगी हुई है और दोनों साइड के दोस्तों क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट पर का भी काम चल रहा है, और बीच का देखो मीडियन बना दिया, डिवाइडर बना दिया जाएगा। इसके बीच में देख सकते हो ये स्टेयर्स रखे हुए हैं, यानी कि 140 सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। दोनों साइड में काम चल रहा है, किसका अभी कौन-कौन लेवल पे ये स्टेयर बनाए जा रहे हैं, उसके बाद में ये एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे। तो यही काम चल रहा है, ऊपर अभी जो टिन सेट का स्ट्रक्चर है वो अभी नहीं लगाया जा रहा है, वो लगाया जाएगा। तब तक आप लोगों को इस एलिवेटेड सेक्शन मेरठ मेट्रो का देखने के लिए मिलेगा स्टेशन KP संत के चैनल पर। दोस्तों देख सकते हो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, अभी फ्लोर वर्क चल रहा है, जो फुटओवर बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों के चढ़ने और उतरने के लिए, उन पर फ्लोर वर्क का काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में, और फिनिशिंग का भी काम किया जा रहा है। और रोडों में तो गड्ढे हैं ही, क्योंकि अब इनकी जो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए थे वो हटा लिए जा चुके हैं। अब इन पर जब ये फाइनल हो जाएगा तब इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, फिर एकदम चमचमाती रोड हो जाएगी दोस्तों, और ये 2 लेन से 3 लेन में भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्पेस बच चुका है। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को MES RRTS का स्टेशन और मेरठ मेट्रो का भी स्टेशन देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं दिखाते चल के आप सभी को। मेरठ मेट्रो और RRTS का जो बायोडक्ट है दोस्तों किस तरीके से कर्व लेता है आप लोग देखो, किस तरीके से ले रहा है कर्व, जैसे जैसे रोड घूम रही है वैसे ही वैसे ये बायोडक्ट को घुमाया गया है। भाई साहब इसी को कहते हैं इंजीनियर्स का कमाल, देखो आप सभी भाई साहब मान के भी हैप हो जाता हूँ कि इस तरीके से भाई साहब बायोडक्ट को घुमाया जाता है। और देखो बीच का मीडियन बना दिया इन्होंने, अब इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद में उसको एक सार किया जाएगा मिट्टी को, और उसके बाद में प्लांटेशन कर दी जाएगी। और अभी रोड का भी ब्लैक टॉप किया जाएगा जब बिल्कुल ये फाइनल शेप ले लेगी, जब इस पर मेट्रो और रिपर्ट रेल चलने वाली होगी, उससे पहले इस रोडों को भी दोनों साइड की रोडों को भी बना दिया जाएगा अच्छी तरीके से। आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा MES कॉलोनी RRTS का स्टेशन। तो चलते हैं और वहीं पर दिखाते हैं चल के आप सभी।
गाइस आगे आ चुका है, देख सकते हो MES RRTS के स्टेशन, जिस पे की ये मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों। ये मेट्रो है इसीलिए स्टेशन भी छोटे बनाए गए हैं मेरठ मेट्रो के दोस्तों, ट्रेन नहीं रुकेगी दोस्तों। अगर आप देख सकते हो ये फुट ओवर दोनों जो लोड उठाएगी दोस्तों वो मेरठ मेट्रो ही उठाएगी। अभी हो चुका है एक ही बायोडेक के ऊपर दोस्तों दो दो मेट्रो देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अब एक मेरी भरी जाएगी मेट्रो मिट्टी भरदान भर जाने के बाद RRTS रैपिड जाएगी रेल। और अभी देखो स्टेशन बन चुके हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं तो बन गए दोनों साइडों में। और इसके कौन कुछ लेवल किया जा रहा है, ऊपर को बढ़ाए जा रहे हैं, स्टेयर बनाए जा रहे हैं, कौन कुछ लेवल पे काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल पे स्टेयर भी नहीं चल रहा जाएंगे दोस्तों। कौन कुछ दोनों ही काम चल रहे हैं, कौन कुछ लेवल देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाएगा तब लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा पर ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को क्यों आगे जाके ये अंडरग्राउंड होती चली जाएगी दोस्तों, क्योंकि आगे एक टंकी चौराया है वहाँ से ये अंडरग्राउंड होती चली जाएगी। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि देखो सारे पिलर से ये छोटे होते चले जा रहे हैं। तो आप लोग समझ जाओ कि ये ज़मीन के अंदर ही जा रही है और 80 फिट ज़मीन के अंदर है गाइस। स्टेशन भी भाई साहब बेगम पुल का भी बहुत गहरे में, तो वो भी मैं देखो लगा पड़ा हूँ। अगर परमिशन मिल जाएगी तो आप लोगों को दोनों स्टेशन, आपको ये एलिवेटेड स्टेशन भी देखने के लिए मिलेंगे और आप लोगों को अंडरग्राउंड स्टेशन भी देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये NCRTC जो बना रही है कॉरिडोर दोस्तों 82 किलोमीटर का, जिसमें से 12 किलोमीटर का पार्ट हिस्सा वो दोस्तों अंडरग्राउंड है यानी कि ज़मीन के अंदर है, और 70 किलोमीटर का दोस्तों हिस्सा वो पिलर के ऊपर है यानी कि एलिवेटेड हिस्सा है। तो देख सकते हो इसकी बॉल पे ये रेलिंग भी लगा दी जा चुकी है ताकि इधर से उधर कोई कूदा फांदी ना कर सके दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।